हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स की बेस्ट सेटिंग्स पर, जिससे आपके गेम्स में जो लैग्स आते हैं वो कम हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। और ये सेटिंग्स सारे एनवीडिया ग्राफिक कार्ड पर वैलिड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो फर्स्ट आपको एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाना है। ये जहाँ आप विंडोज़ रिफ्रेश करते हैं वहाँ शो करता है ये। अगर वहाँ शो नहीं करता तो आपको सिंपली नीचे सर्च बार में जाके एनवीडिया टाइप करना है और आ जाएगा। तो आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। तो ऑन होने के बाद आपको फर्स्ट चीज़ पहले देखनी है कि आपके सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे जाके कि आपके ग्राफिक ड्राइवर का वर्जन कौन सा है। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो मैंने एक लिंक दे रखा है नीचे, आप वहाँ जाके अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये वर्जन यहाँ दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ अपना ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब आपको सिलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक कर देना है और आपको गेम रेडी वाले जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना है। देखिए सेम वर्जन है मेरा, मतलब मेरा अपडेटेड है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो आपको कंट्रोल पैनल की जो फर्स्ट सेटिंग्स है उस पर जाना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एडजस्ट इमेज सेटिंग विद प्रीव्यू। तो अगर आपके पास GD1030 है तो आप इसको 3D इमेज पे ही रहने दें, और अगर आपके पास GD1030 से लो कार्ड है तो आप नीचे वाला थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और जो गेम में जो लैग आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा विद ग्राफिक। ग्राफिक आपका थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा पहले से थोड़ा सा, तो क्योंकि आपने परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर दिया है। अगर आपके पास GD1030 और उससे ऊपर का ग्राफिक कार्ड है तो आपको 3D पे ही रहने देना है। आपको सिंपली सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आपको मैनेज 3D सेटिंग्स पे जाना है। जूम करके अच्छा दिखता है। तो मैनेज 3D सेटिंग जो सेकेंड सेटिंग है उस पर जाना है आपको। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी सेटिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके ग्राफिक कार्ड को मेंटेन करेगी। तो फर्स्ट आपको इमेज शार्पिंग जो ऑप्शन है इसको ऑफ रहने देना है। GD1030 और उससे जो लो ग्राफिक कार्ड हैं उस पर आप इसे ऑफ ही रहने दें। अगर आपके आज 1050 Ti है तो तब आप इसे ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्लियरिटी आती है ज़्यादा गेम्स में। तो ये लोड बढ़ा देती है ग्राफिक कार्ड का। सेकेंड जो एम्बिट वाला ऑप्शन है उसको आपको परफॉर्मेंस पे रहने देना है। परफॉर्मेंस अगर सिलेक्ट नहीं है तो आप परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर लें। थर्ड आया है एनी स्टॉपिंग फिल्टरिंग जो है उसको आपको ऑफ रखना है। फिर एंटी अलाइजिंग वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको ऑफ रखना है, क्योंकि ये गेम कंट्रोल पे रहें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इसको इन सारी जो चीज़ों को होता है, जो एंटी अलाइजिंग वाली जो चीज़ होती है आप गेम से कंट्रोल कर सकते हो इसको, इसलिए यहाँ से इसे ऑफ रहने दें। बाकी जो गामा करेक्शन वाली है ये नॉर्मल है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। बाकी ये आपने देख लिया मोड भी ऑफ है। नीचे अब GPU की जो सेटिंग्स है उसको आपको ऑल रहने देना है। DSR जो फैक्टर है इसको भी आपको ऑफ रहने देना है। ये फ्रेम रेट पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आप इसे ऑन करोगे तो फ्रेम रेट हाई जाएगा जिससे ग्राफिक कार्ड पर लोड पड़ेगा। और मैं आपको सिर्फ बेस्ट सेटिंग बता रहा हूँ जिससे आपका गेम स्मूथ चले और आप जो आपका जो ग्राफिक है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो ज़्यादा, जिससे ग्राफिक भी अच्छा लिखे और गेम भी स्मूथ चले। तो आपने ये देख लिया, इसको आपको ऑफ रहने देना है। बाकी नीचे लो लेटेंसी मोड है, इसको आपको ऑन रखना है, इससे ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है ग्राफिक कार्ड की। उसके बाद मैक्सिमम फ्रेम रेट इसको ऑफ रखना है। अगर आपके पास 1050 Ti है जो उससे ऊपर है तो तब इसे आप ऑन कर सकते हो, बट ये लोड बढ़ाता है ग्राफिक कार्ड का, लैग कहीं ना कहीं आपके आएगा ही ज़रूर, इसलिए ऑफ रखें इसे। बाकी मल्टी फ्रेम सैम्पल AA इसको भी आपको ऑफ रखना है। ओपन GL रेंडरिंग GPU, इसमें से आपको अपने जो ग्राफिक कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पावर मैनेजमेंट मोड है, इसको आपको प्रेफरेंस मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट करना है। शेडर कैशी है, इसको ऑन रखना है आपको। टेक्सचर फिल्टरिंग है, इसको आपको ऑन रखना है। टेक्सचर फिल्टरिंग नेगेटिव है, इसको आपको अलाउ करना है। और टेक्सचर फिल्टरिंग क्वालिटी, इसको आपको हाई परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट करना है। परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी तो गेम स्मूथ चलेगा, लैग कम आएंगे और आपका जो ग्राफिक है वो भी कम नहीं होगा, सही रहेगा।
देन आपको ये ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन है इसको आपको ऑन रखना है, और उसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसको आपको ऑटो पे रहने देना है। ट्रिपल बफरिंग है उसको आपको ऑफ रखना है, वर्टिकल सिंक्रोनाइज है इसको आपको ऑफ रखना है, और वर्चुअल रियलिटी इसको आपको वन पे रहने देना है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको यहाँ अप्लाई ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, सेट फिज एक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको सिंपली आपको इसमें अपना ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद देन अप्लाई। और उसके बाद चेंज रेजोल्यूशन पे हम चलते हैं। तो आपका जो नेटिव रेजोल्यूशन होगा, मतलब जो आपके मॉनिटर का रेजोल्यूशन होगा, वो आपको यहाँ दिखेगा। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी चेंज कर रखा है इसको, 1080p पे रख रखा है, तो इसको आप कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके मॉनिटर का है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा आपके मॉनिटर का, उतना ज़्यादा गेम में परफॉर्मेंस होगी। आप कोई भी रेजोल्यूशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नेटिव रेजोल्यूशन 1080p से कम है, तो जैसे मैंने 1080p सिलेक्ट कर रखा है, मेरे मॉनिटर का थोड़ा कम है रेजोल्यूशन, इसलिए मैंने इसे 1080p पर सिलेक्ट कर रखा है। सारे गेम 1080p पे ऑटो चलते हैं अगर अलाउ करता है गेम तो। तो अप्लाई कर दें उसके बाद आप, और फिर आप नीचे स्क्रॉल करके आएँ और नीचे यूज़ एनवीडिया कलर सेटिंग्स पे क्लिक करें, और इसको हाईएस्ट कर दें, इसको 8 पे सिलेक्ट कर दें, इसको RGB पे कर दें, और यहाँ अगर फुल नहीं है तो इसको फुल कर दें, और उसके बाद अप्लाई कर दें। और फिर उसके बाद एडजस्ट डेस्कटॉप कलर पे, यहाँ तो कलर सेलेक्ट वो कर सकते हो आप डेस्कटॉप के, ये कोई मेन सेटिंग नहीं है। और रोटेट पे ये भी कोई नहीं है, इसको भी आपको छोड़ना होगा। आगे इसको भी छोड़ दो, और ये भी कोई नहीं है। तो नेक्स्ट जो मेन सेटिंग है वो आपकी है एडजस्ट डेस्कटॉप साइज एंड पोजीशन, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये। तो आपको इस सेटिंग्स पे आना है, और आपको यहाँ से मैं बैक करके दिखा देता हूँ, GPU सेलेक्ट कर लेना, डिस्प्ले नहीं सेलेक्ट करना, आपको यहाँ से GPU सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ नो स्केलिंग सेलेक्ट करना है। नो स्केलिंग से क्या होगा कि आपके ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, कोई स्केल नहीं अगर करेगा ग्राफिक कार्ड तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। और जैसे मेरा नेटिव रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं ये है, तो आप इसे 1080p पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नेटिव रेजोल्यूशन 1080p है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो सारे गेम्स हैं ना वो 1080p पे ही स्टार्ट होंगे, कुछ गेम है जो नहीं होते हैं आपको गेम सेटिंग में जाके करना पड़ता है, तो इससे ये चीज़ हो जाती है। तो आप इसे 1080p पे सेलेक्ट कर दें और अप्लाई कर दें। फिर आपको जाना है एडजस्ट वीडियो कलर सेटिंग्स पे, तो कलर सेटिंग्स पे आप आ जाओगे, तो आपको यहाँ एनवीडिया सेटिंग्स पे क्लिक करना है और एडवांस पे जाना है, और यहाँ लिमिटेड से हटा के फुल कर देना है। तो बस ये सेटिंग्स हैं कंट्रोल पैनल की, उसके बाद अप्लाई कर देना है, रीस्टार्ट मांगता है रीस्टार्ट कर देना है आपको। तो ये सारी बेस्ट सेटिंग्स है जो मैंने आपको बताई है, इससे क्या होगा कि लैग्स कम हो जाएंगे और आपके परफॉर्मेंस होती है गेम की वो बढ़ जाएगी। तो अब मैं विंडोज़ की सेटिंग बताऊँगा दो, जो अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो वो उसी में ही होंगे क्योंकि वो सेटिंग्स विंडोज़ 10 में हैं, तो आप उससे भी ध्यान से देख लें। फर्स्ट आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और डिस्प्ले सेटिंग जो फर्स्ट टैब है वहाँ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और दो यहाँ सेटिंग्स दिख रही हैं, एडवांस सेटिंग्स और ग्राफिक सेटिंग्स। तो आपको एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पहले विंडोज़ 10 में रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं आता था, वैसे मैंने आपको ग्राफिक कार्ड में बता दिया है रिफ्रेश रेट का, बट यहाँ भी अगर वहाँ से अगर चेंज ना हो सके मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपका जो भी हाईएस्ट रिफ्रेश रेट है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेटिंग है ग्राफिक सेटिंग से रिलेटेड, मैं पहले भी इस सेटिंग के बारे में बता चुका हूँ GPU scheduling के बारे में, क्योंकि इससे क्या होगा कि CPU से लोड उठ के GPU पे आ जाता है, क्योंकि गेम में CPU बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास लो एंड का CPU है, ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास लेटेस्ट भी है, तब भी गेम में लैग्स आएंगे। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, अगर आपके पास विंडोज़ 10 का 2004 वर्जन है या फिर 20S2 जो अभी लेटेस्ट आया है, अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपका जो लैग्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और लोड जो है वो CPU से उठकर GPU पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।